इसके बाद यहाँ पे आपको जो अपना कंपनी इन्फो डालना है, डेजिग्नेशन डालना है, नेचर ऑफ जॉब डालना है। मेन पर्पस क्या है। खैर शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की। तो भैया ये वीडियो है, जस्ट नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे क्लिक करना है तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आपको मिल जाएगी ये वेबसाइट लिंक। इस वेबसाइट लिंक पे आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही आपके सामने loanpower.in की वेबसाइट खुल जाएगी। अब क्योंकि वेबसाइट ओपन हो चुकी है तो यहाँ पे आपके सामने ऐप लोन का ऑप्शन खुलेगा। एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप लोग इस वेबसाइट को अपने मोबाइल फोन में ओपन करेंगे उस केस में यहाँ पे आपको ये जो मेगा मेन्यू बार है वो शायद ना देखने को मिले, क्योंकि ये जो है फोन के कस्टमाइजेशन टेम्पलेट्स के हिसाब से वो अलग तरीके से ऑपरेट करता है। तो ऐसे केस में आपको फाइंड करने के लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 बार्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको ऐप लोन की कैटेगरी चूज आउट कर लेनी है। अब देखोगे कि जैसे आप ऐप लोन की कैटेगरी चूज करोगे तो जितने भी तमाम लोन एप्लीकेशन है उसकी लिस्ट में आपका नाम देखने को मिलेगा कि भाई ये भी लोन एप्लीकेशन लोन देती है, ये भी लोन एप्लीकेशन लोन देती है। बट सवाल ये आता है कि हम जिस लोन ऐप से लोन लेना चाहते हैं क्या वो उस लोन ऐप का नाम है इसके अंदर? तो हाँ है, लेकिन उसके लिए आपको पर्टिकुलरली सर्च करना पड़ेगा। बजाय है कि आप यहाँ पे स्क्रॉल भी कर सकते हो लेकिन इसमें आपका काफी ज्यादा टाइम जा सकता है। इस लोन ऐप का नाम है नीरा। नीरा लोन ऐप डाल के आपको सिंपली सर्च करना है और आपके सामने आएगा आर्टिकल की नीरा लोन ऐप से लोन कैसे ले। तो ये आर्टिकल है, इस पे करना है क्लिक। आर्टिकल पे क्लिक करने के साथ ही आपके सामने पूरा आर्टिकल डिटेल में एक्सपाउंड हो जाएगा। आर्टिकल के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि नीरा लोन क्या है, नीरा लोन ऐप से लोन कितना मिलता है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो जो लोग ये जानकारी अक्सर लेते हैं ना या पूछना चाहते हैं कि भाई कोई भी लोन ऐप से लोन लेंगे तो उसके लिए हमें इस आर्टिकल को पढ़ने की क्या जरूरत है, तो हाँ यहाँ पे आप इसको हिंदी में तो एक तो ट्रांसलेट करके पढ़ ही सकते हो। दूसरी बात, लोन लेने से पहले आपको अवेयर हो जाना पड़ता है कभी कभी कुछ बातों का जो यहाँ पे पता रहता है। जैसे कि कोई भी लोन ऐप की लोन ऐप से लोन लेने से पहले उसके अथोराइज देखो कि अथॉरिटी देखो इंडियन एप्लीकेशन है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी ही डिटेल्स को जो है वो लोग कैप्चर करके फिर आप ही को जो है यहाँ पे पैसे ना चुकाने, मतलब कभी कभी लेट हो जाने पे जो है किसी तरीके से जो है थ्रेट्स वाले भी चीजें हो जाती है, तो वो सब चीजें सही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कितना लोन मिल जाता है, क्या इंटरेस्ट रेट है, कितने दिनों के लिए मिलता है, कितना ब्याज लगेगा, इन सब चीजों के बारे में जानकारी इस आर्टिकल में मिलेगी। और अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लैंग्वेज में सारी जानकारी अवेलेबल हो जाती है। खैर आर्टिकल्स की तो बारी हो चुकी है कंप्लीटली, अब बारी आती है लोन को कैसे आवेदन करेंगे। इसके लिए आपको मिलेगा ये विजिट का लिंक, तो उस पर करना है आपको क्लिक, जो सीधा लेके जाएगा आपको अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर में। और यहाँ जाने के बाद सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। ये एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो है 1 करोड़ से ज्यादा यानी 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को आज तक इंस्टॉल अपने फोन में कर लिया है, तो आप लोग भी इंस्टॉल कीजिए जब तक हम लोग जो है इस लोन ऐप के थोड़े से अमाउंट अमाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ जो लोन अमाउंट है वो 5,000 से लेकर 1 लाख के बीच में आपको मिनिमम मिल जाएगा। मिनिमम एनुअल परसेंटेज जो है 24% होगा, ठीक है, बाकी 36% तक जाए
रहता जाता है मैक्सिमम इसके केस में। बाकी लोन चुकाने का सबसे ज्यादा लंबे समय है वो 24 महीना है, कम समय 3 महीने का टाइम मिल जाता है। प्रोसेसिंग फीस मैक्सिमम लगेगा 350 रुपए जीएसटी लगाकर, और अपटू 2 से 7% आपका लोन अमाउंट होगा। बाकी प्री पेमेंट फीस की बात करें तो 0 विद इन 7 डेज ऑफ डिस्पोजेबल होगा और 4% प्री पेमेंट अमाउंट देर आफ्टर। तो लेट फीस अगर हो आपका नहीं है, मतलब अगर आप लेट फीस से पहले ही अगर आप अपना इंटरेस्ट सहित जो है ईएमआई चुका देते हो तो कोई लेट फीस नहीं लगने वाला, लेकिन अगर आप लेट फीस पे लगते हो तो इंक्लूडिंग 500 रुपए जो चार्ज हो जाएगा, एक बात का याद रहे। अब चलो एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं और एग्जाम्पल के तहत से मानते हैं कि भाई आप कितने रुपए तक का लोन लोगे और कब तक वापस करोगे, तो यहाँ पे कितना पैसा आपको देना पड़ सकता है, तो आपको एक चीज समझ में आएगी। मान लो कि आपने जो है 15,000 का लोन लिया है 14,999 का, तो 15,000 के लोन में आपका जो इंटरेस्ट रेट ऑफ 36% के हिसाब से मान लो कि आपका लगा भी, तो 6 महीने के लिए आपको ये लोन लेना है, तो आपका जो प्रोसेसिंग फीस है एक तो वो बनेगा 826 रुपए। अब आपके हाथ में जो पैसा आएगा वो प्रोसेसिंग फीस पहले ही कट जाता है, एक बात का याद रखिए, जो मेन अमाउंट प्रिंसिपल है ना उसमें से प्रोसेसिंग फी पहले डिडक्ट हो जाता है, तो आपके हाथ में आएगा 14,173 रुपए। अब आपकी जो हर महीने ईएमआई बनेगी वो बनेगी 2,769 रुपए। आपके पीएमटी बेसिस एंड सैम्पल मंथली पेमेंट के बेसिस पे इंटरेस्ट अमाउंट के बारे में पूरा हिसाब किताब है कैसे कैसे है। अगर लेट फीस नहीं है तो 0 है, अगर लेट फीस है तो 500 इसको भी ऐड कर लेना अगर आपने लेट फीस टाइम पर अगर ईएमआई पे किया है तो। बाकी टोटल कॉस्ट ऑफ द लोन प्रोसेसिंग फीस वगैरह बता देगा यहाँ पे कि क्या क्या है और लास्ट में आपको कितना पैसा पे करना है। तो ये है आपका टोटल रिपेमेंट अमाउंट, आपका टोटल आपने 15,000 का लोन लिया है, इंटरेस्ट वगैरह जोड़ जाकर 16,613 रुपए आपको फाइनली वापस करना पड़ेगा। तो ये एक चीज हो गई जिसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई कितना रुपए लेने पर कितना पैसा वापस किया जाना चाहिए या कितना किया जाना पड़ता है। आप चलिए लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया होगा तो उसको करना है ओपन। जैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो सबसे पहले लैंग्वेज को चूज आउट कर लेना है। चूज आउट करने के बाद यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके का आएगा, तो यहाँ पे आप लोग जो है अपने स्लाइडर से चूज कर सकते हो समय को और ऊपर लोन अमाउंट को भी। प्रोसीड पे क्लिक करना है, इसका मोबाइल नंबर डालना है, रजिस्टर के बटन पर टैप करना है, इसके बाद आपको अपने चूज करना है एम्प्लॉयमेंट टाइप की सैलरी हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो जो भी हो, इसका बताना है कि आपको सैलरी कैसे आपको मिलती है, आपके कैश में बैंक अकाउंट में या दोनों ही। एवरेज मंथली इनकम क्या है वो बता के प्रोसीड पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको अपना पूरा नाम जो आपके आधार कार्ड में डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, टोटल वर्क एक्सपीरियंस एंड करंट रेजिडेंशियल पिन कोड वो डाल के आपको आगे बढ़ना है। इसका जेंडर चूज करना, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं आधार कार्ड से वो, और आपके कोई ऑनगोइंग लोन चल रहे हैं कि नहीं, इसका पर्पस ऑफ लोन चूज आपको करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और आपको दिखाएगा कि आप कितने रुपए तक के लोन के लिए और कितने समय के लिए एलिजिबल माने जाओगे। तो यहाँ पे आपको फिनिश लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा, इसके बाद आपको करंट कंपनी इन्फो आएगा, इसके बाद यहाँ पे आपको जो अपना कंपनी इन्फो डालना है, डेजिग्नेशन डालना है, नेचर ऑफ जॉब डालना है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना वेरीफाई कंपनी ईमेल के थ्रू या अपलोड आईडी प्रूफ करके भी वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आईडी प्रूफ को ही अपलोड करके किया जा सकता है, तो अपलोड पे कर देना। इसके बाद पैन सेल्फी अपलोड करनी है, फिर पैन कार्ड भी आपको अपलोड करना होगा, देन इसके बाद यहाँ पे आपको जो है सैलरी स्लिप को पीडीएफ फॉर्मेट पर अपलोड कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। आधार नंबर डाल के स्टार आधार के वाई सी पे क्लिक करना है और ये चीज हो जाने के बाद आपका अगला है प्रोसीड टू गेट योर लोन का ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना लोन अमाउंट चूज करना है जो आपको बताया गया था कि कितने से कितने रुपए तक का मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ जो चीजें देखने को मिल रहा है ना ये मैंने फिलहाल हाइड की हुई है, यहाँ पे लोन अमाउंट सिलेक्टेड है, प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी वगैरह ये सब मैंने हाइड किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे आपको नंबर्स दिखेंगे। जब आप लोन अप्लाई करने आओगे तो वहाँ पे सारे नंबर्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे टिक मार्क करना है, इसके बाद गेट माई लोन के ऑप्शन में क्लिक करना है, टिक मार्क करके आई अंडरस्टैंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, फिर फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड वाइफ नेम वो डाल के आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको करंट एड्रेस को पूरा सही से डाल के आगे बढ़ना है, देन इसके बाद आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है एंड प्रोसीड क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिविल क्रेडिट स्कोर दिखाएगा, कंटिन्यू विद लोन एप्लीकेशन पे जाना है और जिस बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए अकाउंट नंबर या सैलरी अकाउंट वो डाल के वो आगे आगे बढ़ रहा है। इसके बाद बताना है कि आपका नेट बैंकिंग या लॉगिन आईडी पासवर्ड इस अकाउंट से है कि नहीं, अगर वो है तो बता सकते हो। इसके बाद नेट बैंकिंग से रिलेटेड बता सकते हो ताकि आपका जो है सैलरी अकाउंट से आई थिंक बैंक स्टेटमेंट ले सके, हाँ तो फ्रॉम नेट बैंकिंग कर सकते हो या फिर इसको आप लोग मैनुअली भी अपलोड कर सकते हो। फिर बैंक चूज करना है, फिनिशियल प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, यस अपलोडेड पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे जाना है एंड ये जो IFL का फिर एग्रीमेंट लोन एग्रीमेंट उसको सैक्शन करके कन्फर्म पे क्लिक करना है और लास्ट डिस्पोजल प्रोसेस करके जो है आपको आपका पैसा बैंक खाते में आपको मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप लोग लोन बड़ी ही आसानी से ले सकते। खैर ये तो आप लोगों ने आना कि किस तरीके से जो है लोन लिया जा सकता है निराला लोन ऐप से, वो भी बेहद ही आसानी से, लेकिन आपके इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना।